મુંબઈની બોરીવલી ઈસ્ટ કસ્તુરબા પોલીસે એક દુષ્ટ આંતરરાષ્ટ્રીય ચોર ટોળકીના 5 લોકોની ધરપકડ કરી છે, જેઓ મુંબઈ આવીને રેકી કરતા હતા અને રાત્રે ચોરીને અંજામ આપી ફરાર થઈ જતા હતા. 13 જુલાઈના રોજ આ ચોર ટોળકીએ કસ્તુરબા પોલીસ સ્ટેશનમાં ચોરીને અંજામ આપ્યો હતો. વરિષ્ઠ અધિકારીઓના માર્ગદર્શન હેઠળ કસ્તુરબા પોલીસે સીસીટીવી, ટેકનિકલ એનાલિસિસ અને સૂત્રોની મદદથી આરોપીઓની શોધખોળ શરૂ કરી હતી. ઘટના સ્થળે લાગેલા સીસીટીવીમાં આરોપીઓ રિક્ષામાં જતા દેખાય છે. કસ્તુરબા પોલીસે મોખાડા પોલીસની મદદથી 5 આરોપીઓની વિક્રમગઢ જવર મોખાડામાંથી ધરપકડ કરી હતી. આરોપીઓ પાસેથી 11,70,000 રૂપિયાનો સામાન મળી આવ્યો છે. આરોપીઓના નામ એજાઝ રમઝાની અંસારી, આમિર સોહેલ શમીમ અહેમદ, સલમાન તસ્લીમ નદાફ, શકીલ ઇનામુલ હક અને શાદાબ અકબર હુસેન છે. आफ्टर दैट हमारी जो टीम है कसुरबा पुलिस स्टेशन की, दोनों डिटेक्शन टीम ने इसमें बहुत काम किया, वर्कआउट किया. मुंबई से एक रिक्शा जो है इसका इस्तेमाल इसमें आरोपियों ने किया था, जो रेंट पे लिया था और फिर वो लोग घूमते थे और फिर गड़बड़ी करते थे. तो इन आरोपियों से 3 जो ऑफेंसेस है मुंबई पुलिस के यहाँ दर्ज हुए हैं, पंतनगर पुलिस स्टेशन और 2 कसुरबा पुलिस स्टेशन के जो ऑफेंसेस है वो डिटेक्ट हो चुके हैं. इसमें कुल 11,50,000 का मुद्देमाल रिकवर किया गया है, जिसमें सोना चांदी लैपटॉप और जो हथियार उन्होंने यूज़ किए हैं ये HBT के लिए वो पाए गए हैं. और इसमें जो टीम है डिटेक्शन टीम कस्तूरबा की, उन्होंने बहुत मेहनत की है. सबसे बड़ी चीज़ सर, मैम ये अंतर्राज्यीय गिरोह क्या अदर मुंबई में आकर के रेकी करती थी, रेकी करने के बाद ये चोरी की वारदात को अंजाम देते थे? यस, वो रेकी करके और प्लान करके कर रहे थे, इसके बाद वो गुजरात की तरफ जाने वाले थे, ऐसी इसमें माहिती मिली है. आरोपियों का बैकग्राउंड क्या है, मोडस क्या है, कैसे चोरी करते थे? कड़ी को अंडा तोड़ून, मतलब जो लॉक है वो तोड़ के ही उन्होंने ये जो घरफोड़ी किया है वो वैसे ही किया है, यही मोडस है. अब तक कितना इसे माल सामान बरामद किया गया है? 11,50,000 का जो मुद्देमाल है वो जब्त किया गया है उनसे. बैकग्राउंड क्या, आरोपी कहाँ के रहने वाले हैं और कैसे मुंबई आते थे, कैसे रेकी करते थे? क्या आरोपी यूपी से है? आरोपियों के पास दिल्ली पासिंग की एक वेरना गाड़ी जो है, फोर व्हीलर वो है, वो लेके आते थे, कहीं रुकते थे, उसके बाद यहाँ का कोई भी जो ट्रांसपोर्ट है, रिक्शा है या कुछ और भी है, जिसको यूज़ करके वो लोग रेकी करते थे और उसके बाद अपना चोरी घरफोड़ी करते थे. इनकी गिरफ्तारी कैसे हुई, मैडम कैसे जानकारी मिली कि? हमारी जो डिटेक्शन टीम है, श्री अम्बौड़े और श्री वाइकोस, इनकी टीम ने जो तांत्रिक तपास इसमें किया है, तांत्रिक तपास के अनुसार एक रिक्शा उन्होंने डिटेक्ट किया था, जिस रिक्शा वाले को बात करके फिर माहिती उन्होंने निकाला, जिसमें ये 5 लोग रेंट पे घूम रहे हैं इस माहिती के ऊपर. फिर उसके बाद और टेक्निकल तपास किया है, उसमें ये पाया गया कि ये आरोपी जो है वो मीरा रोड मोखाड़ा की तरफ चले गए हैं. फिर वहाँ पे नाकाबंदी लगाया गया मोखाड़ा पुलिस स्टेशन के अंतर्गत, उनका हेल्प लेके नाकाबंदी में ये आरोपियों को ताबे में लिया. આ તમામ આરોપીઓ ઉત્તર પ્રદેશના રહેવાસી છે અને મુંબઈમાં રેકી કરીને ચોરી કરતા હતા. આરોપીઓ પર મુંબઈના અલગ અલગ પોલીસ સ્ટેશનમાં 10થી વધુ ચોરીઓ કરવાનો આરોપ છે. કસ્તુરબા પોલીસ આ આરોપીઓની તપાસ કરી રહી છે કે મુંબઈમાં આ આરોપીઓ ક્યાં ક્યાં ચોરીના બનાવોને અંજામ આપી ચૂક્યા છે.